झारखंड के हाई स्कूल प्रधान अध्यापकों से होगी वेतन की वसूली, 20,000 तक कम हो जाएगी सैलरी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड के हाई स्कूलों में कार्यरत प्रधान अध्यापकों को दिए गए वेतन की वसूली की जाएगी, साथ ही उनकी सैलरी 20,000 रुपए तक कम हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बताया गया कि उन्हें वर्षों से अधिक वेतनमान दिया जाता रहा है। महालेखाकार तथा योजना सह वित्त विभाग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने तथा इसकी समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रधान अध्यापकों द्वारा वेतन के रूप में ली गई राशि की 3 महीने के भीतर नियमानुसार वसूली का निर्णय लिया गया है। दरअसल वर्ष 2006 में झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त प्रधान अध्यापकों तथा इस पद पर प्रोन्नत सहायक शिक्षकों को गलत वेतन पर्ची के आधार पर अधिक वेतन जारी होता रहा। इनकी नियुक्ति 7,500 से लेकर 12,000 के वेतनमान में हुई थी तथा छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत पे बैंड 2 तथा 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5,400 का वेतनमान मिलना था, लेकिन कई प्रधान अध्यापकों की वेतन पर्ची 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे 5,400 के वेतनमान पर जारी होता रहा। इससे इन्हें अधिक वेतन का लाभ मिलता रहा। योजना सह वित्त विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त समीक्षा में इसे गलत ठहराया गया। वर्ष 2006 में 257 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, बाद में कुछ और शिक्षकों की नियुक्ति हुई, वहीं कुछ शिक्षक प्रोन्नत भी हुए। वेतन में कम हो जाएंगे 20,000 रुपए, लौटानी होगी बड़ी रकम। बताया जाता है कि गलत वेतनमान पर्ची जारी होने से प्रधान अध्यापकों को प्रति माह लगभग 20,000 रुपए अधिक वेतन मिलता रहा। पिछले 15 वर्षों का औसत निकाले तो अगर इन्हें प्रति महीने 10,000 रुपए भी अधिक मिले तो इस हिसाब से एक शिक्षक को 2006 से अब तक लगभग 18 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ है। ऐसे शिक्षकों की संख्या राज्य में करीब 400 है। इस तरह अधिक भुगतान के कारण खजाने को लगभग 72 करोड़ रुपए की चपत लगी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वेतनमान को संशोधित करने तथा अधिक वेतन की वसूली करने का आदेश दिया है। ऐसे शिक्षकों का वेतन अब 20,000 रुपए कम हो जाएगा। इनसे वसूली कैसे होगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। अब होगी यह कार्रवाई। 1 जनवरी 2006 में मूल कोटि में कार्यरत तथा इस अवधि के बाद नियुक्त और प्रोन्नत हुए प्रधान अध्यापक इस दायरे में हैं। इन्हें छठा पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड 2 और 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5,400 के वेतनमान पर अब संशोधित वेतन मिलेगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 महीने के भीतर संशोधित वेतन पर्ची जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापकों को इस वेतनमान पर संशोधित पेंशन निर्धारण 1 महीने के भीतर किया जाएगा। अधिक वेतन लेने वाले ऐसे प्रधान अध्यापकों की पहचान कर 3 महीने के भीतर राशि की वसूली करने का आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।